एक लंबे ब्रेक के बाद दरभंगा में फिर निकला प्रशासन का बुलडोजर, हराही तालाब के किनारे चला हथौड़ा। प्रशासन ने हराही तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है। बुधवार से अभियान शुरू हुआ है। 4 दर्जन अतिक्रमणकारी कब्जा जमा कर बैठे हैं और उनसे हराही तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रयास शुरू किए गए। बुधवार से दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और जवानों की मुस्तैदी थी। अतिक्रमणकारियों ने जब जमीन खाली नहीं की तो उन्हें यह कार्रवाई करने को प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। दंगा नियंत्रक दल भी मौके पर तैनात था। बरसों से अतिक्रमण की चपेट में है ऐतिहासिक हराही तालाब, जिसका अतिक्रमित भूभाग हटाने का कार्य किया जा रहा है। सदर, बहादुरपुर और केवटी के सीओ को दंडाधिकारी के रूप में इस अभियान में प्रतिनियुक्त किया गया। इस अतिक्रमण मुक्ति अभियान के लिए तमाम पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। 5 दर्जन पुलिस बल के जवान मुस्तैद थे। निगम के अमीन भी थे। अंचल के अमीन को भी रखा गया था। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का लंबा काफिला, पूरा अमला मौजूद था ताकि किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। अगर अतिक्रमणकारी कोई उपद्रव करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जा सके। प्रशासन के हथौड़े के चलने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अतिक्रमणकारी अपनी ही चाल में मगन रहे। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। दरभंगा में दरभंगा स्टेशन के निकट अवस्थित ऐतिहासिक हराही तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। Thank you.